श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ वो उन लोगों के लिए प्रयोग है जो परीक्षाएं तो बार बार दे रहे हैं, बार बार परीक्षाओं बैठ रहे हैं, पर थोड़े नंबर से रह जाते हैं, चूक जाते हैं, एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से, चार नंबर से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार चूक रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग खूब कड़ी मेहनत करते हैं, देखिए मेहनत सभी करते हैं और अत्यंत मेहनत करते हैं, पर भाग्य का साथ नहीं मिल पाना यही सबसे बड़ी अड़चन होती है। कर्म तो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहा कर्मण्ये बाधकारस्ते, कर्म करते रहो, फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। फल की इच्छा रखो या ना रखो, कर्म यदि आप कर रहे हैं तो फल आपको प्राप्त होना ही होना है, पर उसके साथ भाग्य का साथ देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो कर्म तो हम करते रहते हैं पर कर्म का भी फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हम परीक्षाएं तो काफी दे रहे हैं, काफी पढ़ाई कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, पर कभी एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, पांच नंबर से रह गए। क्या भाग्य का ना साथ होना, क्योंकि हमारी कुंडली में जो नौवां स्थान होता है वो भाग्य का स्थान होता है, और नौवे स्थान का मालिक यदि अष्टम भाव में, छठे भाव में, बारहवें भाव में बैठ जाए, नौवे स्थान का मालिक यदि नीच का हो जाए, नौवे स्थान का मालिक शत्रु राशि का हो जाए, नौवे स्थान का मालिक यदि अस्त हो जाए, इतनी सारी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो कर्म तो हम पूरा करते हैं पर भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण हमें ना नौकरी मिल पाती है, ना किसी विशेष परीक्षा में पास हो पाते हैं, ना जीवन में आगे बढ़ पाते हैं जो हमने सोचा है, जो हमने चाहा है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि जो भी परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपनी एक बार कुंडली अवश्य एनालाइज करवाएं, अवश्य एक बार कुंडली दिखवाएं। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पर कुंडली नहीं दिखवाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग अपने जीवन में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अपनी कुंडली तो दिखवाएं कि जिस चीज की आप परीक्षा दे रहे हैं उस चीज के लिए आपका ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो कितना सपोर्ट कर रहा है, आप उस परीक्षा के लायक भी है कि नहीं है ग्रह के अनुसार, कि आपको दूसरी फील्ड में जाना था, आप किसी और फील्ड में मेहनत करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से, जितने मेरी फैमिली के मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है यदि आप, आपके बच्चे, आपके जानने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी कुंडली एक बार एनालाइज अवश्य मुझसे आप करवा लीजिए। यदि आपके आसपास कोई और अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको दिख रहा हो उनसे भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर कुंडली अवश्य आप एनालाइज करवाइए, ये बहुत आवश्यक है। अब मैं जो आज आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, प्रयोग बहुत ही अच्छा है, जो बार बार परीक्षा देने जाते हैं पर उनका रह जाता है, इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित ही हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, ये प्रयोग आपको करना है सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन आपको लेना है क्या, गन्ने का रस। गन्ने का रस आप दो कलश में ले लीजिए, दो कलश में गन्ने का रस ले लीजिए और शंकर जी के मंदिर में जाइए, उत्तर की तरफ मुख करके आपको त्रिपुरा सुंदरी देवी का ध्यान करना है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का बिल्कुल ऐसे ध्यान करिए, आंख जोड़ करके, साक्षात आपके सामने देवी प्रकट हो गई हो, त्रिपुरा सुंदरी देवी का ध्यान करिए और उसके बाद अपना गोत्र और अपने नाम को उच्चारण करते हुए दोनों हाथों से, जैसे शंकर जी को अभिषेक करते हैं ऐसे दोनों हाथों से आपको गन्ने का रस लेकर के शंकर जी के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शंकर जी के शिवलिंग पर दोनों हाथों से ऐसे उस गन्ने के रस का अभिषेक करना है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का ध्यान करते हुए अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और शंकर जी का अभिषेक करिए, और अभिषेक करते हुए प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो अभी तक मैं कुछ कुछ नंबरों से रह जा रहा था, ऐसी कृपा करिए आप कि अब मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाए, तुरंत मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये आपको ध्यान करना है। आप एक सोमवार, दो सोमवार, तीन सोमवार, यदि आप चाहें तो सात सोमवार तक भी कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम प्रयोग है। आप एक दो ही तीन सोमवार करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। निश्चित ही आप इस दिव्य प्रयोग को अवश्य करिए। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्याएं आ रही हो, और भी कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी प्रकार की, कैसी भी पुरानी से पुरानी समस्या, कोई भी समस्या, दुकान नहीं चल रही है, मकान नहीं बिक रहा है, मकान नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बेटी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, घर में कलेश है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है,
क्यों ये सारे कारण बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो निसंकोच होकर क्या मुझे कॉल लगाइए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉल करिए, मैं निश्चित ही आपको उत्तर दूंगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।